हेलो दोस्तों, आज दोस्तों हम बताएंगे आपको ये केवड़ा प्लांट के बारे में। इसको केवड़ा भी कहते हैं, स्पाइडर भी कहते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से सर्दियों में हो गया है। देखिए, हमारे सभी प्लांट ऐसे ही हो गए हैं, तो हमने एक प्लांट उसमें से उठाया। हमने सोचा कि आपको बताएं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले इसके साथ में क्या करना है, ये जो पत्तियां हमारी गल चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, जो इनकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से कटिंग कर देनी है। सब गले गले पत्ते सारे हट जाएंगे इसमें से। ये सर्दियों में ओस से हो जाता है, ये पाला मार जाता है इनको, इनकी पत्तियों को, तभी हो जाते हैं ये। इस तरीके से कटिंग कर देते हैं इसकी। इस वाली कैंची से ही कटिंग हो पाती है इसकी, वैसे कटर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पत्तियां हैं। डाली वगैरह अगर किसी की कटिंग करनी रहती तो कटर से कटता है, तो इसके लिए हम कैंची यूज कर रहे हैं दोस्तों। पत्तियां इसकी हट चुकी हैं सारी खराब वाली। अब इसको पूरी मिट्टी इसकी निकाल देंगे दोस्तों बाहर। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमारा पूना का प्लांट है, ये लाल मिट्टी का। ये देखिए, अब ये हम मिट्टी हटा देंगे बीच से। इस तरीके से हटा दी, इस प्लांट की सारी मिट्टी हटा देंगे आप, तब भी खूब अच्छे से सेट हो जाता है। क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि अगर सारी मिट्टी हटा दी आपने तो वो खराब हो जाता है, लेकिन ये प्लांट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इस प्लांट को अब जैसे देखिए, इसमें और भी ये अलग अलग प्लांट तैयार हो गया है, ये और छोटे छोटे निकल रहे हैं। देखिए, इसको अलग निकाल करके हम दूसरे में भी लगा सकते हैं, वो भी प्लांट एक तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें अभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी इसको एक ही पॉट में लगा करके घना करके बेचना है। ये लीजिए, देखिए दोस्तों जड़ें, देखिए इसकी, ठीक है दोस्तों। अब इसकी थोड़ी सी जड़ें ये हम हटा देंगे, ये भी जड़ें भी इसकी हटा देंगे दोस्तों। ये हो गया। अब हम इसी मिट्टी में इसको लगाएंगे, थोड़ी सी देसी खाद डालेंगे। और थोड़ी बर्मी कंपोस्ट, और इसमें दो चम्मच के करीब डाल लेते हैं जिप्सम पाउडर। और दोस्तों कुछ भी नहीं लेना है, बस इतने में ही काफी अच्छा हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा और सब नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें हम इसी पॉट में इसको लगा देते हैं दोबारा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सेट करते हैं। एक महीने के अंदर ही इसको देखिएगा आप, काफी अच्छा हो जाएगा और एकदम गमला भर जाएगा इसका। ये जो छोटे प्लांट निकल रहे हैं ये काफी बड़े हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने रिपोर्ट किया और हमने इसमें जिप्सम पाउडर भी डाला है
और वर्मी कंपोस्ट भी डाली है। ठीक है दोस्तों, इसकी कटिंग भी हमने कर दी। अब ये बनके तैयार हो चुका है लग के। ठीक है दोस्तों, अब ये एक महीने के बाद इसमें रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, आपको हम दिखाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे इसका एक। और दोस्तों हमने जिस तरीके से लगाया, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।